Good morning, students. Class 5th in Moral Science. Now today we'll read chapter 7, cleanliness, our surrounding. Cleanliness का मतलब क्या होता है? साफ सफाई. अपने आस पास जो भी चीजें होती हैं, उन्हें हम कैसे साफ रखते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, सोसाइटी हो, स्कूल हो, पार्क हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, एनीवेयर. तो हर किसी को सफाई पसंद है, ठीक है, तो लेकिन हर कोई सफाई करता नहीं है, ठीक. तो हमें, जब हमें सफाई पसंद है और हमें सफाई में रहना ही पसंद है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारे सिटीजन की जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जगह को साफ करके रखें. आप देखते होंगे अक्सर लोगों के घरों से जो है कूड़ा फेंक देते हैं, सड़क में कूड़ा पड़ा रहता है, तो उससे क्या होता है कि कई तरह के डिजीज डेवलप होते हैं. तो आपको सफाई रखनी है, कैसे रखनी है, उससे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, तो आज आपके इस चैप्टर पे हम रीड करते हैं. नाउ स्टार्ट, ओपन द चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 29. ओपन द पेज नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 एंड पेज नंबर 29. नाउ स्टार्ट. क्लीननेस ऑफ सराउंडिंग. वी प्राइड अवर सेल्फ फॉर कीपिंग अवर हाउस क्लीन. हमें बहुत गर्व होता है कि अपने घर को हम साफ रखते हैं. एट वी डू नॉट हेजिटेट टू डर्टी अवर सराउंडिंग विद अवर डोमेस्टिक गार्बेज. लेकिन हम अपने घर के जो कूड़े होते हैं, अपने आसपास की चीजों को गंदगी कर देते हैं, उसमें हमको हेजिटेट नहीं होती, हमें संकोच नहीं होती. तो होता क्या है कि हमें सफाई कैसे रखनी है, कहाँ से हमें एजुकेशन मिलती है. अवर सेंट थियर एंड होली बुक हैव टॉट अ लेसन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्लीन. हमारे ऋषि मुनि, टीचर और हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, वो हमें यही पाठ पढ़ाती हैं कि हमें कैसे साफ रखना चाहिए और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्ता है. बट वी हैव रिपीटेडली इग्नोर सच टीचिंग. पर हम इस तरह के पाठ को, इस तरह की शिक्षाओं को हम लगातार इग्नोर करते हैं. आपने देखा होगा कुछ लोग टिकटॉक का वो कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, खाके पॉलीबैग पॉलीथीन वही फेंक देते हैं, टॉफी खाते हैं वही फेंक देते हैं. अब आपको ये नहीं पता कि जो आपने खा के फेंका है उसे भी कोई सफाई कर रहा होगा, ठीक है. तो इस तरह की सफाई से क्या होता है, अगर आपने गंदगी कर दी चौथ तरफ, तो किसका नुकसान होगा? आपका. आज आपने कहीं कूड़ा किया है तो कल आपके घर में भी कोई कूड़ा करेगा. इवन द ट्रेजिडी ऑफ प्लेग हैज नॉट अवेकेंड अस. तो इस तरह की क्या ट्रेजिडी है जो प्लेग, जो हम सीखते नहीं है, करते नहीं है. क्लीनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे टू प्रिवेंट डिसीज. सफाई ही हमारी एक ऐसी इम्पोर्टेंट है, एक ऐसा ही रास्ता है जिससे हम बीमारियों से बचे रहेंगे. सफाई रखेंगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे. एज द क्लीनेस ऑफ द हाउस इज नेसेसरी. जिस तरह से घरों में सफाई का होना जरूरी है, सिमिलरली क्लीनेस ऑफ सराउंडिंग इज ऑल्सो नेसेसरी. उसी तरह हमारे आस पास की जो भी चीजें हैं, जो भी जगह है, उनकी भी सफाई होना जरूरी है. इफ अ पर्सन डिफिकेट्स यूरिनेट्स और स्पिट्स इन एन ओपन प्लेस. अगर लोग खुली जगह पे वॉशरूम करते हैं, यूरिन करते हैं या थूकते हैं, ओपन जगह पे थूकते हैं, द पासर बाय माइट स्टेप ऑन इट. तो जो उसमें गुजरते हैं, उस रोड से जो गुजरते हैं, उस पाथ से जो गुजरते हैं, वो उस पर अपना पैर रखते हैं, या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन माइट प्ले विद इट अनोइंगली. और जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहीं पे खेलते हैं, जिन्हें पता नहीं होता, तो वो क्या होता है, उनके पैर पे लग जाते हैं, उनके बॉडीज पे लग जाते हैं, और इस तरह से वो डिसीज से
आ जाते हैं. फ्लाई माइट सिट ऑन इट, और इन जो जो भी गंदगी है, जो स्पिट्स है, यूरिनेट है, जो जो भी आपने किए होंगे गंदगी, उसमें जो है फ्लाई जो है बैठती है. आफ्टर विच दे माइट सिट ऑन द एक्सपोज्ड फूड, और उसके बाद हो सकता है ये खुले खानों पे बैठ जाए, जो आपके ठेले पे मिलता है, होटल में मिलता है, जो खुला हुआ खाना होता है उस पे हो सकता है ये बैठ जाए. इट कैन कॉज डिसीज सच एज डायरिया एंड कॉलरा, और इस तरह से क्या हो जाता है कि डायरिया और कॉलरा होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है. तो देखा सफाई नहीं करने से क्या कितना बड़ा नुकसान है कि हमें कई तरह के रोगों से होकर गुजरना पड़ता है. टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज, रोग को फैलने से बचाने के लिए वी शुड हैव प्रॉपर टॉयलेट विद फ्लश सिस्टम इन आवर हाउस, अपने घरों में जो टॉयलेट का फ्लश होता है वो प्रॉपर फ्लश होना चाहिए. दिस सिस्टम कीप द टॉयलेट क्लीन, और ये सिस्टम क्या करता है टॉयलेट को क्लीन रखता है एंड फ्री फ्रॉम फ्लाई, और जो फ्लाइज होती हैं मॉस्किटो होती हैं उनसे वो फ्री होती है. एंड फॉल स्मेल, और उसकी जो गंदगी गंदी बदबू होती है स्मेल होती है वो नहीं आती. यूरिन एंड स्टूल शुड नेवर बी पास्ड नियर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी जहां जहां पीने का पानी है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, वेल है, जहां पर भी पीने का पानी है उसके आस पास कभी भी यूरिन या स्टूल मतलब पॉटी नहीं करना चाहिए. कुछ लोग होते हैं अपने एनिमल्स को वहीं पे यूरिन पास कर देते हैं, पॉटी कर देते हैं, फिर उसी पीने के पानी से वॉश कर देते हैं. तो जितने भी विलेज विलेजर्स होते हैं या जो भी रास्ते में जाते हैं जिनके पास पानी नहीं आता है वो उसी पानी को यूज करते हैं. तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह से साफ रख सके अपने घरों के साथ साथ उन आसपास की चीजों को भी हम साफ रख सके. इफ वी थ्रो गार्बेज इन द ओपन, अगर हम खुली जगह पे कूड़ा फेंकते हैं, देन फ्लाइज एंड मॉस्किटो मे सिट ऑन इट, तो फ्लाई यानी मक्खी और मच्छर इस पे बैठ सकते हैं एंड स्प्रेड जम्प, और जम्प को फैला सकते हैं. वैसे तो हम इतनी महंगी महंगी चीज यूज करते हैं लेकिन अगर हम साफ सफाई नहीं रखते हैं तो फिर ये हमारी जो इतनी महंगी महंगी क्रीम है, ये जो भी आप यूज करते हो वो सब बेकार है. फॉर डिस्पोजिंग गार्बेज, गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, अपने कूड़ों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. डस्टबिन शुड बी एम्प्टाइड एट प्रॉपर प्लेस, जो डस्टबिन होता है वो प्रॉपर प्लेस में आपको रखना चाहिए, मेड फॉर द पर्पस बाय द म्युनिसिपल कमेटी, जो म्युनिसिपल कमेटीज आती है एमसीडी की जो गाड़ियां आती हैं वो इसी गार्बेज को उठाने के पर्पस से आती हैं. तो आप अपने गार्बेज में डस्टबिन में कूड़ा रखो और जब आपकी एमसीडी की गाड़ी आती है तो आप उसे उस पे थ्रो कर सकते हो, इधर उधर फेंकने के बजाय आप उस पे थ्रो कर सकते हो. इन एरिया वी कैन यूज अ कंपोस्ट पिट फॉर डिस्पोजिंग गार्बेज, और अगर अगर कहीं रूरल एरिया पे आप रहते हो तो अपने गार्बेज को क्या कर सकते हो, कंपोस्ट पिट पे डाल सकते हो. कंपोस्ट पिट क्या होता है, जो मिट्टी की जो जमीन होती है उसको गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढे खोदने के बाद हमें जितना भी कूड़ा होता है उसमें हम दबाकर मिट्टी से ढक देते हैं, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो फॉसिल बन जाता है और मिट्टी में मिक्स हो जाता है. द गार्बेज ऑफ द हाउस शुड बी पुट इन द डस्टबिन, घरों में भी कूड़े को रखने के लिए आपके पास डस्टबिन होना चाहिए. एंड देन पुट इन द कंपोस्ट पिट, या फिर आप उसको कंपोस्ट पिट में रख सकते हो. कंपोस्ट पिट में रखोगे तो वो आपके वो गमलों में पॉट्स में फर्टिलाइजर का काम करेगा. द ओपनिंग ऑफ द पिट शुड बी केप्ट कवर्ड, जो भी पिट आपने खोली हुई है कंपोस्ट पिट जिसमें आपने गार्बेज को दबा रखा है उसको बाद में कवर कर देना चाहिए. आफ्टर अ फ्यू मंथ गार्बेज विल डिके, कुछ महीनों के बाद जो कूड़ा है वो डिके हो जाता है, सड़ जाता है और मिट्टी में मिक्स हो जाता है. देन दिस कैन बी यूज्ड मैन्योर इन द एग्रीकल्चर फील्ड, और फिर उसके बाद ये
मैन्योर में चेंज हो जाता है जो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए काम में आता है। आप अपने घरों में भी यूज करते हो, जिनके पास गमले हैं तो वो इस कंपोस्ट पिट के गार्बेज को जो मिट्टी में मिल जाते हैं वो आप अपने गमलों में भी यूज कर सकते हो। पॉल्यूटेड वाटर ऑफ द हाउस शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लो इन द ओपन स्पेस साइड। घरों के जो गंदे पानी हैं उन्हें खुले एरिया में फ्लो नहीं करना चाहिए। फॉर दिस ड्रेन शुड बी बिल्ट एंड कवर। इसके लिए आपको जो ड्रेन होता है वो बनवाना चाहिए और वो ड्रेन आपका क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। वेस्ट वाटर कैन बी यूज्ड इन द ओपन गार्डन। आपने जो पानी जो वेस्ट वाटर है वो आप ओपन गार्डन में यूज कर सकते हो। जैसे कोई किसी ने कपड़े धुले हैं, किसी ने बर्तन धुले हैं तो पानी बच जाता है, तो आप उसको गार्डन में भी यूज कर सकते हो। फॉर डिस्पोजिंग वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने के क्या करना चाहिए, अ फॉग पिट कैन बी मेड। एक ऐसा पिट होना चाहिए जिसमें आप गार्बेज को वो वेस्ट वाटर को डाल दीजिए, वो क्या करेगा, फॉग लेगा या वो किसी और पर्पज से काम आ जाएगा आपके, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके आस पास की चीजें साफ रहती है, और चीजें साफ रहेंगी तो आप डिसीज से जम से बच सकोगे। ओके, डिसीज से और जम से आप बच सकते हैं और इस तरह से आप अपने घरों को, अपने आसपास के मोहल्लों को, अपने हॉस्पिटल को, अपने बैंक को भी साफ रख सकते हैं। जिस तरह से आप साफ कपड़े पहनना पसंद करते हैं उसी तरह से साफ जगह भी जाना पसंद करेंगे। और आप जब आप सफाई रखेंगे, हर एक बंदा सफाई रखेगा तो हर एक कोई जम्स फ्री होगा। तो आज आपका चैप्टर 7 फिनिश होता है। इसका एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की डेट में आप इतना रीड करेंगे और समझेंगे। टेक केयर, बाय बाय।